अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के अशोक नगर गली नंबर 3 से, जहां पर आप देख सकते हैं ये महिला क्यों रो रही है, क्योंकि इन महिला के जो बेटे हैं वो कल रात 8 बजे से लापता है, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। दिमागी हालत सही नहीं बताई जा रही, मतलब कि दिमाग से वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन घर पर ही वो रहते थे, कुछ काम तो नहीं करते थे लेकिन घर पर रहते थे। लेकिन एक माँ के लिए किस तरीके से ये बुरा समय चलता है जब उसके बेटे का कुछ हता पता नहीं लग पाता है। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। जो इनके दूसरे बेटे हैं लगातार वो ढूंढने का भी प्रयास कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन जो घर में इनकी बहू है उनके द्वारा हमें फ़ोन किया गया, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर पहुँचने का फ़ायदा तभी है जब आप लोग इस खबर को शेयर ज़रूर करें। उन व्यक्ति का मैं नाम बताना चाहती हूँ, गोपाल शर्मा नाम है, गोपी के नाम से पूरी गली में घर में जाने जाते हैं। एक बार दूसरी फोटो एक बार दिखा दीजिए, ये दूसरी फोटो आप देख सकते हैं। गोपाल शर्मा वैसे नाम है लेकिन गोपी के नाम से हर कोई जानता है, घर वाले भी गोपी के नाम से बुलाते हैं, आसपास के लोग भी गोपी के नाम से बुलाते हैं। आंटी कहाँ गए हैं बेटे? पता नहीं बेटे, अभी मेरे घर से 7 बजे तक तो यहाँ लगा फिरता था, उसके बाद मुझे नहीं पता। मैं अपने घर में अंदर लेटी हुई थी, देख रही थी, नाटक देख रही थी। तो डेली जाते हैं बाहर कहीं? रात के 2-2 बजे भी आ जाता है घर पर, पर आज रात का नहीं आया। बस ऐसे ही बस घूमता फिरता रहता है, बस बच्चों के साथ घूमता फिरता रहता है, रात का नहीं आया। बस ये टाइम हो गया मेरे बच्चे का लाद। दिमाग से मेंटल है, मैं उनकी सिस्टर हूँ। सिस्टर है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? शिवानी है। शिवानी नाम है। क्या इनका क्या नाम है? इनका गोपी है, वैसे गोपाल है रियल नेम। घर पे यहाँ पे सब मोहल्ले में सब गोपी बुलाते हैं। गोपी बुलाते हैं। हाँ जी। क्या उम्र है? उम्र है 39 ईयर्स। 39 साल के, 40 के आसपास है। तो शादी हुई हुई है? नहीं नहीं, वो मेंटल है, दिमाग का सीधा है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ और 8 बजे के बाद, कल 8 बजे लास्ट टाइम मुझे मिला है वो यहीं से निकला है वो, उसके बाद दिखा ही नहीं। वो कह रहा आ रहा हूँ, मैंने आवाज भी मारी है, नहीं आया वो। एक आदमी उसके सारी रात वगैरह रहता है उनके नहीं, पास नहीं चलाना ही नहीं आता। 8 बजे से वो पढ़ा भी नहीं है, वो अनपढ़ है बिल्कुल। तो ज्यादा दूर चले गए होंगे ऐसा लग रहा है आपको? कोई ले गया उसको, ऐसा लग रहा है कोई ले गया। तो कोई क्या करेगा लेकर जाकर? कोई वो सीधा है ना, काम कराते हैं लोग उसको। अच्छा। और 10-20 रुपए देते हैं फिर वो दारू पी लेता है। अच्छा, ऐसे है उसको, दारू का थोड़ा लालच होता है कि ऐसा हो सकता है कोई दारू के लालच में ले गया। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आसपास देखिए पता तो सभी को होता है कि हाँ जी, हाँ जी, कोई व्यक्ति किस, हाँ जी, हाँ जी। का है? लास्ट टाइम मैंने उसको देखा है एक लड़के के साथ जाते तो हुए। दूर भी जाते थे कभी या आसपास ही घूमने चले जाते? नहीं चले जा, आसपास ही, ज्यादा आसपास ही, यही अशोक नगर अर्जुन गेट आसपास ही। हाँ जी, हाँ जी। तो पुलिस वगैरह में आपने शिकायत दी है? बस मैंने अभी पहले आपको ही फोन किया है। मैंने कहा पुलिस में कोई शिकायत? वो 24 घंटे के बाद ही लेते हैं ना, 24 घंटे। लेकिन अभी आप लोग ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे हैं, मैं सारा ढूंढ रहा, रात के ही ढूंढ रहे हैं हम तो, सारी रात नहीं, हम रात 2 बजे तक ढूंढा उसको। तो आसपास कोई कैमरा वगैरह हो जिसमें आपने देखने की कोशिश की हो? यहाँ पर कैमरे नहीं लगे, यहाँ पर कैमराज नहीं है कहीं पर। हालांकि कैमराज कहीं नहीं है, बड़ी बात यह है कि अशोक नगर गली नंबर 3 से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर एक माँ किस तरीके से बेचैन होती हुई नजर आ रही है, रोती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसका बेटा कल शाम 7 बजे से घर से गायब है। हालांकि पहले भी जो गोपाल शर्मा है जिसको गोपी के नाम से जाना जाता है, वो बाहर चले जाते थे, 10-20 रुपये का काम कई लोग उनसे करवा लेते थे, जिसके बाद वो दारू वगैरह भी पी लेते थे और अपनी रात गुजार लेते थे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि वो घर से तो गायब हो गए, ना जाने कहां चले गए, क्या उनको कोई ले गया है, क्योंकि परिवार वाले आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है उनको कोई ले गया। हालांकि पुलिस में अभी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई है, सबसे पहले इन्होंने जरूरी समझा कि I-24 को बुलाया जाए, उनकी टीम को बुलाया जाए, ताकि हम यह खबर दिखाएं, ताकि इस खबर को आप लोग शेयर करें। और हो सकता है इस खबर को शेयर करने के बाद गोपी यानी कि गोपाल शर्मा का कुछ पता चल पाए, वो वापस घर आ जाए और पुलिस तक जाने की नौबत ही ना आए। क्या नाम है आपका? शैली शर्मा। हाँ जी, वो रात कल
शाम को सबको मिला है, यहाँ गली में भी आया है, रात को 8 बजे इसको ही मिला, बस उसके बाद घर नहीं आया। तो घर में किस तरह का उनका रहता है बिहेवियर? नहीं, घर में ठीक रहता है, वो सारा दिन घूमता फिरता है, रात को चाहे 2 बजे घर आए, घर जरूर आता है। तो जैसे दारू वगैरह पीते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, दारू पीता है तो, पर वो घर जरूर आता है, घर से, हाँ घर जरूर आता है, घर जरूर आते हैं, बाहर नहीं रह सकते। बस लोग उनसे ना काम का लालच लेते हैं कि जैसे सिद्धा है वो कुछ बोलता नहीं है, उसको जहाँ 10-20 का लालच मिला वो चला जाता है। कभी पहले भी ऐसा हुआ है कि वो रात भर बाहर रहे हो, 2-3 दिनों बाद आए हो? जी कहीं नहीं बाहर जाता, वैसे हमारे यहाँ जगरातों में वो जाता था, यहाँ पे गली मोहल्ले में है, लेकिन अब तो जगराते भी नहीं हो, अब तो जगराते नहीं हो, कुछ भी। तो जगरातों में क्या करते थे वो? वो वैसे उसको शौक था जी, हमारे पड़ोसी उनके साथ चले जाते, हाँ शौक था उसको, अब तो कहीं जगराते भी नहीं हो रहे। रिश्तेदार हो ऐसा जहाँ वो चले जाते? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाता, ना बिल्कुल, वो अपने घर ही आता है, कहीं नहीं जाता। तो अपने घर ही आते थे, चाहे कहीं भी चले जाए अपने घर ही आते थे। उनके जो बड़े भाई हैं आप? अच्छा, आप मामा जी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा संदीप शर्मा। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं यही पड़ोस में रहता हूँ। पड़ोस में रहते हैं जी। तो किस तरह का नेचर है और कहाँ चले गए हैं? नेचर क्या है? शरीफ है, दिमाग का थोड़ा सीधा है, छोटे मोटे लोग काम कहते हैं कर देता है, रात को कोई शराब पिला देता है। क्या नाम है? गोपी। गोपी, हाँ जी। आ जाता है वैसे, रोज आ जाता था घर, किसी से लगड़ना पकड़ना तो है ही नहीं, उसने शरीफ था बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा सीधा था। आस पड़ोस वाले भी इस वक्त देख तो इसी तरीके से रहे हैं कि आखिर वो कहाँ चले गए। जी जी जी, सब बोले बहुत प्यार था उसका सबसे, मतलब कोई किसी का मतलब दुलारा था सबका वो इस एरिया में, मतलब ऐसा नहीं है। एक बार फिर से आपको फोटो दिखाना चाहेंगे गोपी की, यानी कि गोपाल शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। और बड़ी जानकारी यह है कि अशोक नगर गली नंबर 3 से कल शाम को 7 बजे ये घर से तो जाते हैं लेकिन घर लौटकर वापस नहीं आए हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि बात यह है कि दिमाग से ये पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, हो सकता है कोई इनका गलत फायदा उठा ले, हो सकता है कोई इनको गोपी को कहीं और लेकर चला जाए, किसी और शहर, किसी और राज्य, गलत हाथों में गोपी ना जाए, इस वजह से इस खबर को शेयर जरूर करें। एक माँ के आंखों में जो आंसू हैं उन आंसुओं को रोकने के लिए आप इस खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कल 7 बजे वो घर से निकले हैं तो करनाल से कुछ ज्यादा दूर वो चले गए होंगे। मैं हाथ जोड़ के सब से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी मेरे बच्चे को देखे वो मेरे घर तक पहुँचा दे, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ बार बार। कोई मोबाइल नंबर आप शेयर कर दो ताकि अगर किसी को कोई सूचना मिलती है तो इन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या हमें भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर भी फेसबुक पर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। मैडम एक बार नंबर बता दीजिए अगर किसी को कोई जानकारी मिलती है गोपी के बारे में। 9729771002। कोई और भी नंबर है इसके? 8708222842। एक बार दोबारा बताएंगे नंबर? 9729771002 8708222842। कोई घर से कोई उनको परेशानी हो, कोई दिक्कत नहीं जी? वो तो बच्चा है एक तरह का, जैसे ये मेरा बेटा है वैसा ही वो है, उसको कोई परेशानी नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसको कोई परेशानी नहीं है, बस वो हाँ जी बस उसको यही होता था कि कहीं घूम आऊं या आ जाऊं और कुछ नहीं, वो सबको प्यार से। आप यहीं पे रहते हैं, पड़ोसी हैं? हाँ जी। क्या आपको क्या जानकारी मिली है कि कल से जैसे ये लोग बता रहे हैं गोपी गायब है? हाँ, वो अपने घर ही नहीं आए, 7 बजे घर में थे, आए दोबारा वापसी। कैसा स्वभाव था? नहीं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो अब सब चिंता में नजर आ रहे हैं सब? हाँ सब चिंता तो होती है, बेटा बेटा अपना चिंता तो होनी है। बच्चों के साथ सारा दिन खेलता है, ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं, घूम फिर के आ जाता रोज। अब पता नहीं कहाँ गए, सुबह से परेशान है सारे। तो सुबह से परेशान है, एक माँ का रो रो कर बुरा हाल है, जो गोपी की बहन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। आस पड़ोस वाले यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते कि स्वभाव गोपी शर्मा का, स्वभाव गोपाल शर्मा का कितना अच्छा होगा, तभी आस पड़ोस वाले भी उनके वापस आने का इंतजार करें, क्योंकि अक्सर वो घर से जाया जरूर करते थे लेकिन वापस आ जाया करते थे। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यह अपील रहेगी, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आस पड़ोस वाले किस तरीके से गोपी की माँ के आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे, सांत्वना देते हुए नजर आ रहे कि आप चुप कर जाइए क्योंकि लोग इस खबर को शेयर जरूर करेंगे और गोपी घर वापस जल्द से जल्द आ जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आई24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।